एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। यस, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बोला था। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की थग लाइफ है। पहले हमने इनके आई थिंक ब्रदर है वो, छोटे बड़े ये नहीं हमें पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। उनका नाम था अवैसी साहब, नहीं ये भी अवैसी है वैसे तो, उनका नाम था असदुद्दीन अवैसी। हाँ, तो उनकी थग लाइफ पे हमने रिएक्शन दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ऑफिशियल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। अगर कोई भी गौ हत्या करेगा, चाहे वो दलित हो या क्षत्रिय हो या यादव हो या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको बात से नहीं, हम उसको हमारे हाथ से समझाएंगे। बीफ खाए वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। म्यूजिक अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूँ ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अरे के गाया आज, एक और आया वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। खाली बकवा 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 बकवा, कुछ काम ही नहीं है। क्या बताइए, ऐसा समझ रहे थे के बस पानी उबालो, पत्ती डाल दो, चाय पिला दो। आज वजीर आजम हिंदुस्तान कहते हैं मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। वाह 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 वाह। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार रहे ना। अरे तुम वजीर आजम हो, इतना कमजोर हिंदुस्तान का वजीर आजम, अरे वजीर आजम वज़ारत-ए-उज़्मा की ताकत का ओहदे का अंदाजा होता तो कहता, और अगर उसकी जगह मैं होता तो कहता कि अगर कोई दलित को मारेगा तो हिंदुस्तान की पुलिस की गोलियां उसको मार देगी। तुम ये कहना था, लेकिन ये नहीं कहे मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा मार रहे तो गोली आपको मार दो बोले, अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना, हाँ किसको। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। मुसलमान चार चार बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के चार चार बीवियां, तुम भी करो, किसने रोका। अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम चार को संभाल सकते हैं। मजा आया। अरे हिंदुस्तान को लव जिहाद, घर वापसी,
गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को दो वक्त की रोटी की जरूरत है। 26 इंच का छीना सीना फुला 56 इंच है चाय वाले, छप्पन इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप चार चार पैदा करें। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। बात करता है तो चाहे, कुछ बोलता है तो चाहे, डिमोनेटाइजेशन के वक्त भी बोला तो यही बोला, क्या चाहे? फिर बोला तो क्या बोला? कड़क चाहे, नरम चाहे, फुला चाहे, ये चाहे। अरे बाबा, तू है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, वजीर आजम है हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, मैं तुझसे बोलना चाहता हूं कि तू खुदा के लिए इस बात को भूल जा कि तू चाय वाला था, अब नहीं है, वजीर आजम है। चाय वाले जैसे बातें करना छोड़, वजीर आजम जैसे बातें कर। कुछ नहीं, क्या है? अरे हम बोले तो बुरा दिखता कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। हमने बोले तो क्या हुआ? अल्लाह इनसे बोलाने लगा रहा। क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम? आज आप देखिए क्या आलम है। मालिया भाग गया लंदन, ललित मोदी पैसे लिया भाग गया, चौकसी भाग गया, इन्हें भाग गया, सब भाग रहे। कहां भाग रहे? लंदन भाग रहे, इन्हें लंदन, उन्हें लंदन, ये लंदन, मगर लंदन से एक आया वापस। सब भागे ना, एक आया ना, और आया तो क्या डर के आया? क्या खौफ में आया? क्या कांपते कांपते आया? अरे हंसते हंसते आया, और आया और जेल में गया, 40 दिन रहा। अरे आज कहता हूं, मेरे हक के लिए, मेरे भाइयों की इज्जत के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके वखार के लिए, उनके हक के लिए, अगर सूली पे भी लटकना पड़े तो अकबर ओवैसी लटक जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। क्या डरते समझ रहे हैं? अरे डरने घबराने वालों में से हम नहीं। मैंने त्याग दिया। किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था, क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी मां है छोड़कर आ गए अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए, जईफ मां को भी खतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी मां खड़ी है। अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी मां के लिए मैं खतार में खड़े होता और मां को अपना पैसा देता। गजब बेइज्जती है। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत? क्यों है, क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। हमको कमजोर समझ रहे? अरे क्या है, ये मुल्क का क्या हाल हो गया है?
सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ, किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ, विकास किसका हुआ, किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। सबसे रिच पार्टी, सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर और वोट मांग रहा है, वोट मांग रहा है तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम लेकर वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। सिंधा डिग्री की तकसीम थी, वहां गए, मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए, रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए तुम, फिर खामोश। ऐसा फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूँ, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी माँ को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। क्या अच्छा भ्रष्टाचार है साहब, इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर नाउ द बीजेपी विल मेक द इलेक्शन कैंपेन पेमेंट ऑन पेटीएम। आई थिंक आई एम श्योर मिस्टर मोदी विल मेक अ पेमेंट इन यूपी इलेक्शन बाय पेटीएम और जियो बैंकिंग। दारुसलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है, मुसलमान तो आते ही हैं, हर एक के लिए है। मगर यह जरूर कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, हिंदुस्तान पर माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही हक हिंदुस्तान पर है। सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही हक है, गले में सलीब पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। यह मुल्क किसी एक का नहीं, यह मुल्क हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, पारसी का है, सबका है, हर मजहब के मानने वालों का है। ये मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, अल्लाह को मानने वालों का भी है, खुदा को मानने वालों का भी है, खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। अरे हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से बोल रहे थे और मिड में एक आया कि वो भी लंदन भाग गया, वो भी लंदन भाग गया, वो भी तो मुझे याद आया कि लाइक हमारे यहाँ भागते हैं लंदन पॉलिटिशियंस, लाइक इंडिया में भाग जाते हैं। और आई थिंक ये लंदन से हैं तो इन्होंने जो बोला कि 4 दिन जेल काटी मैंने आके, फिर और वो बोल रहे थे ना चाय वाला भी कुछ बोल रहे, हाँ वो पीएम मोदी जो थे वो पहले चाय वाले थे, इंडिया के जो पीएम है तो वो उनका बोल रहे थे लाइक उनकी भी काफी लाइक स्ट्रगल है लाइक चाय वाले से पीएम इंडिया लाइक बहुत बड़ी लाइक हमारे भी ऐसे ही है कुछ नहीं हमारे यहाँ ऐसे नून लीग वालों का भी कुछ ऐसा है हम
हमारे यार कुछ हमारे लाइक एक चीज तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद पता लगी कि इंडिया और पाकिस्तान की ना यू नो पॉलिटिक्स लेवल एक इक्वली एक दूसरे को ब्लेम करना और दिखाना और टीज करना लाइक इनको देख ना कुछ मुझे जिस तरीके से वो बयान कर रहे थे ना कि वो रोहित का नाम लिया फिर एकदम चुप हो गए ये वो तो ऐसे लाइक हमारे लीडर है इमरान खान वो भी इस तरीके से बयान करते हैं ना कि वो चुप हो गए ये हो गया वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है बहुत ही कमाल के नॉलेज इनको बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से बोल रहे थे कि इंडिया उसका नहीं यार लाइक कंट्री सबकी होती है जो भी इसमें रहते हैं इसमें ये थोड़ी के पाकिस्तान है तो सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं हिंदुस्तान तो सिर्फ हिंदू रह सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता बहुत ही इंटेलिजेंट है और आई थिंक ये उनके बड़े भाई तो नहीं छोटे ही लग रहे थे मुझे हाँ उनसे छोटे लग रहे थे वो असद अवैसी साहब से सो गाइस आप लोग को मैं बताइएगा सो गाइस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस गिव लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो बाय